दोस्तों घंटों मीटिंग होने के बाद बीसीसीआई ने घोषित किया वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए आखिरी और फाइनल प्लेइंग 11। टीम में तीन मैच विनर खिलाड़ियों की हुई है जबरदस्त वापसी। जी हां दोस्तों, आखिरकार कैसा है वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारत टीम का प्लेइंग 11, बताएंगे सब कुछ आज के इस बेहद ही खास वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी हो भारत टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत टीम इस वक्त वेस्टइंडीज दौरे पर गई हुई है, जहां पर टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारत टीम इस वक्त जमकर प्रैक्टिस कर रही है। दोस्तों बात करें टेस्ट सीरीज की तो इसकी शुरुआत 12 से 17 जुलाई के बीच डोमिनिका में होने वाली है। अब इस टेस्ट मुकाबले को टीम इंडिया हर हालत में जीत दर्ज करना चाहेगी, लेकिन टीम इंडिया को भी पता है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मुकाबले जीतना आसान नहीं होने वाला है। टीम इंडिया उस मुकाबले को जीतने का प्रयास तो करेगी, पर उसके लिए भारत टीम के पास एक बेहतरीन प्लेइंग 11 का होना जरूरी है। अब दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारत टीम की प्लेइंग 11 भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि डोमिनिका में होने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के लिए जो टीम इंडिया प्लेइंग 11 निकाली है, उसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक बार फिर से एज ए ओपनर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें नंबर 3 की तो यशस्वी जायसवाल नंबर 3 पर रहने वाले हैं, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें नंबर 4 की तो नंबर 4 पर विराट कोहली खेलने वाले हैं। विराट कोहली जिस तरीके से फॉर्म में है, उससे उनको पिक करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे एज ए वाइस कैप्टन, ईशान किशन एज ए विकेट कीपर खेलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों स्पिनर के तौर पर रविंद्र जडेजा और अश्विन को टीम में लिया गया है। इसके बाद बात करें फास्टर बॉलर की तो शार्दुल ठाकुर एक और ऑलराउंडर को टीम में चुना गया है। उसके बाद दोस्तों मुकेश कुमार है, जिसको लेकर बीसीसीआई काफी ज्यादा परेशान थी, इसको पिक किया जाए ना किया जाए, लेकिन फाइनली इसको पिक कर लिया गया है। उसके बाद दोस्तों तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज है। तो दोस्तों ये है पहले टेस्ट मुकाबले के लिए भारत टीम की पूरी प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज को इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया हरा पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही क्रिकेट मैदान से जुड़ी और ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।